इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 31 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन वर्ष 1600 में भारत में अंग्रेजों की गुलामी की बुनियाद पड़ी थी। दरअसल 31 दिसंबर को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजीकरण का शाही फरमान जारी किया था। देश दुनिया के इतिहास में 31 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन वर्ष 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजीकरण का आदेश दिया था। दुनिया के जाने माने फिजिसिस्ट और केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल का निधन आज ही के दिन 1691 में हुआ था। आज ही के दिन 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश संरक्षण में आए थे। 1857 में आज ही के दिन क्वीन विक्टोरिया ने ओटावा को कनाडा की राजधानी घोषित किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म आज ही के दिन 1898 में हुआ था। व्यंग लेखन के विख्यात साहित्यकार श्री लाल शुक्ल का जन्म आज ही के दिन 1925 में हुआ था। देश के प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, श्रेष्ठ वक्ता और विद्वान विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का निधन आज ही के दिन 1926 में हुआ था। 1929 में महात्मा गांधी ने लाहौर में आधी रात को कांग्रेस के साथ पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। हॉलीवुड अभिनेता बेन किंग्सले का जन्म आज ही के दिन 1943 में हुआ था। उनका असली नाम कृष्ण भांजी था। इंग्लैंड में पैदा हुए बेन ने 1982 में फिल्म गांधी में मुख्य भूमिका निभाई थी। आज ही के दिन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में हंगरी ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल का निधन आज ही के दिन 1956 में हुआ था। आज ही के दिन 1972 में बेसबॉल के महान खिलाड़ी रोबर्टो क्लेमेंट की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वो निकारागुआ के भूकंप पीड़ितों के लिए एकत्र राहत सामग्री लेकर जा रहे थे। 1984 में आज ही के दिन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी। आज ही के दिन 1988 में परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ था। 1999 में आज ही के दिन अमेरिका ने पनामा नहर का नियंत्रण आधिकारिक तौर पर पनामा के हवाले किया था। आज ही के दिन 2003 में भारत और सार्क के दूसरे देशों के विदेश सचिवों ने शिखर सम्मेलन से पहले वार्ता शुरू की थी। 2004 में आज ही के दिन ताइवान के ताइपे में 508 मीटर ऊंची इमारत का उद्घाटन किया गया था। उस समय इसके दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का दावा किया गया था। आज ही के दिन 2005 में सुरक्षा कारणों से अमेरिका ने मलेशिया में अपने दूतावास को अनिश्चित काल के लिए बंद किया था। 2008 में आज ही के दिन ईश्वर दास रोहिणी को दूसरी बार मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई थी। आज ही के दिन 2014 में चीन के शंघाई शहर में नववर्ष की पूर्व संध्या पर भगदड़ में 36 लोगों की जान चली गई थी और 49 लोग घायल हुए थे। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।